ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 46 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है, वहीं 9 खाली सीटों पर नए उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा 8 महिलाओं पर भी पार्टी ने भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने इस बार 5 ऐसे उम्मीदवारों को उतारा है जिन्होंने मात्र 24 घंटे पहले पार्टी का दामन थामा था। इसमें हरिनगर वार्ड से कांग्रेस पार्टी की पूर्व पार्षद राजकुमारी ढिल्लो, पूर्व कांग्रेस नेता और समाज सेवी नवीन चौधरी उर्फ दीपू, रोहिणी वार्ड से पार्षद जय भगवान उपकार, कांग्रेस की ओर से पालम सीट से चुनाव लड़ चुके विनय कुमार मिश्रा और बदरपुर से 2 बार विधायक रहे राम सिंह नेताजी शामिल हैं। बता दें कि दिल्ली की हरिनगर विधानसभा सीट से 2015 में आपके जगदीप सिंह विधायक बने थे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने यहां से राजकुमारी ढिल्लों को प्रत्याशी बनाया है, जो कि कांग्रेस की पूर्व पार्षद रह चुकी हैं। वहीं गांधीनगर से कांग्रेस नेता नवीन चौधरी उर्फ दीपू को उम्मीदवार बनाया गया है। 2015 के विधानसभा चुनाव में आपके उम्मीदवार अनिल कुमार वाजपेयी यहां से 7,000 से अधिक वोटों से जीते थे। बवाना से पार्टी ने जय भगवान उपकार को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर 2017 में हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के रामचंद्र ने बाजी मारी थी। द्वारका विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने विनय कुमार मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। विनय कुमार मिश्रा पूर्व सांसद महाबल मिश्रा के बेटे हैं। इस सीट पर 2015 में आम आदमी पार्टी की आदर्श शास्त्री ने विधायक की कुर्सी पर कब्जा जमाया था। आम आदमी पार्टी ने बदरपुर विधानसभा सीट से राम सिंह नेताजी को टिकट दिया है। पिछले चुनाव में यहां से आपके नारायण दत्त शर्मा ने बाजी मारी थी। वैसे इस सीट से राम सिंह 2 बार विधायक रह चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप भाजपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार है। यहां 8 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 11 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।